भिंड रेलवे क्रॉसिंग पर से ग्राउंड रिपोर्ट। जी हाँ, देखिए अटे रोड रेलवे फाटक यानी इस समय सिरदर्द बन गया है। जब भी जाओ बंद ही पाओ, खुला मिल जाए तो उस किस्मत की बात है, किस्मत चमक जाए। घंटों इंतजार और जाम की जकड़न से आखिर कब मिलेगी भिंड वासियों के साथ अटेर वासियों को निजात। भिंड जिले वासियों के द्वारा एक दो दिन नहीं बल्कि कई वर्षों से अटेर मुड़िया खेरे के पास बने रेलवे क्रॉसिंग राहगीरों, मजदूर, व्यापारियों, खासकर स्थानीय निवासियों समेत स्कूली बच्चों के साथ डायल 100-108 जननी योजना के लिए जी का जंजाल बन गई है। लगातार ट्रेनों की आवाजाही से लंबे समय तक फाटक बंद रहता है। लंबे इंतजार के बाद फाटक खुलता भी है तो दोनों तरफ से लंबे वाहनों की कतार लग जाती है। फाटक खुलते ही लोग जल्दबाजी के चक्कर में दौड़ पड़ते हैं और दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। मजेदार बात तो यह है कि विगत दिन दोपहर 11 बजे चिलचिलाती भीषण जबरदस्त गर्मी के बीच ग्वालियर से भिंड आ रही ट्रेन के लिए फाटक डाल दिया गया। तकरीबन 15 मिनट तक ट्रेन गुजरी तब तक लोगों के पसीने में हन गए, लेकिन उसके बाद फिर नहीं खुला तो लोग स्थानीय चौकी पर पूछने के लिए पहुंचे तो बोला गया कि अभी नहीं खुलेगा क्योंकि अभी भिंड से ग्वालियर की तरफ ट्रेन और गुजरने वाली, उसके बाद यह फाटक खुलेगा। फिर क्या, राहगीरों का गुस्सा आसमान पर दिखा और भिंड के सभी जनप्रतिनिधियों समेत सांसद को कोसते रहे कि यहाँ के नेताओं ने हद कर दी, एक क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज नहीं बना पाई, विकास क्या होगा, समस्या परे। इस समस्या का स्थायी समाधान आज तक नहीं होने से लोगों में आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस फाटक से अटेर के 100 गांव लोग प्रतिदिन दैनिक जरूरतों का सामान खरीदने के लिए आते जाते हैं। सरकारी व प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी बड़ी संख्या में पढ़ने के लिए इस क्रॉसिंग से गुजरते हैं। लोगों को यहां तक कहना है कि फाटक खुला मिल गया तो समझो तुम्हारी बहुत बड़ी किस्मत है। ये बहुत चर्चित मुड़िया खेरा रेलवे फाटक समय वे समय हो जाने से जहाँ लोग क्रॉसिंग पर जाम में फंसकर परेशान हो रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था भी शहर की बिगड़ रही है। और यह समस्या कोई एक दिन की नहीं बल्कि हर रोज की है। पिछले कुछ वर्षों से राहगीर और भी ज़्यादा परेशान है क्रॉसिंग पर, अब यह समस्या आम हो चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें आखिर लोग, और साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।